यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून। आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। स्टूडेंट, आज हम लोग आप लोगों का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटीजर्स, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, एग्जैक्टली चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इंटीजर, क्लास सेवन का आपने फर्स्ट चैप्टर में दिया गया इंटीजर। एग्जैक्टली इंटीजर होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इंटीजर क्या होता है जी? इट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द नंबर्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नोन नंबर्स। यानी जितने भी नंबर्स जाने गए हों, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हों चाहे पॉजिटिव नंबर्स हों, सारे को एक साथ जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी एक साथ कॉम्बिनेट करते हैं, तो वो इंटीजर फॉर्म हो जाता है। दिस इज नोन एज इंटीजर, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। सर इंटीजर, आपने कहा सर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जो भी चीजें चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, एक साथ जब आ जाती हैं तो उसे हम इंटीजर में बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, और इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इंटीजर का? इसमें लेट्स से इसका जो मिड पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है जीरो, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेट्स से सारे पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, और जीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव में माइनस में होते हैं, इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ओके, तो आई होप इंटीजर क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें इंटीजर की बात कर रहे हैं कि इंटीजर हेल्प अस, और जो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है बेटा, ये प्लस और माइनस हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन या ऐसे बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं जिसमें हम प्लस माइनस समझते हैं, है ना? कहीं लॉस होता है तो वहां पे माइनस हो जाता है, कहीं प्रॉफिट होता है तो वहां प्लस हो जाता है ना? जैसे एज अ बिजनेस, मान लीजिए हम किसी बिजनेस में हैं, वहां पे प्रॉफिट और लॉस की कंडीशंस होती है, ऐसे में प्रॉफिट क्या होता है? प्लस शो करता है, अगर लॉस होता है तो माइनस शो करता है। तो इसलिए दोनों ही मस्ट होते हैं, दोनों ही इंटीजर, नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करो, दोनों ही अपने अपने प्लेस पे उनकी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है? यस सर। इन्होंने कहा इंटीजर्स हेल्प अस डिनोट क्वांटिटीज व्हिच आर डायरेक्शनल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा इंटीजर्स देखिए डायरेक्शन को भी शो करता है। अगर हम प्लस डायरेक्शन को शो करें, लेट से अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, एक ये आपका सी लेवल है, लेट से ये क्या है? सी लेवल, बेटा सी लेवल है ये। अभी सी लेवल के जो आप अपर लेवल की बात करोगे, इस सी लेवल के अप साइड की बात करते हैं, यानी अप स्ट्रीम की बात, सॉरी सी लेवल के अप स्ट्रीम की बात किया जाए, तो ये होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो हाइट शो की जाती है प्लस में होती है, हाइट एग्जैक्टली प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करता है, यानी हाइट जो शो किया जाएगा यहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन बात करते हैं अगर यहाँ पे डेप्थ की, तो ये डेप्थ है माइनस रिप्रेजेंट करता है, यानी ये डायरेक्शन दिखाता है माइनस, मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये इसके डेप्थ में, अगर कोई दिया गया माइनस 32 मीटर की डेप्थ में है, इट मींस वो 32 मीटर की गहराई में है। ठीक है, ये डायरेक्शन शो करता है, प्लस माइनस डायरेक्शन भी शो करता है। ओके, यस सर, यस सर। इसके अलावा ना, फॉर एग्जाम्पल यू नो द हाइट ऑफ डेप्थ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सी लेवल, इंटीजर्स आर ऑल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेट प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यस वही सब बातें बता रहे हैं अभी कि प्रॉफिट को हम प्लस से शो करते हैं, अगर लॉस होता है तो उसे माइनस से शो किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो बेटा इंटीजर क्लियर हो गया, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं इंटीजर्स? ये आपका नंबर लाइन है, लेट से इसका मिड पॉइंट जो होता है नंबर लाइन का जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो टू लेफ्ट जो इंटीजर्स लाई करते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, we call them negative integers, और जीरो के राइट में जो इंटीजर्स लाई करते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स।
यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स से ये -1, -2, -3, -4, -5 ये नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसकी जो रेंज होती है इंटीजर्स की वो कहते हैं सर माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच में होता है, इसका कोई रेंज ही नहीं है, माइनस का कोई भी हो और प्लस का कोई भी नंबर हो ठीक है वो सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर ठीक है। यस बेटा इसमें इन्होंने कहा सर अगर हम जीरो के लेफ्ट में मूव करते हैं तो जो वैल्यू है डिक्रीज करती जाती है, ये भी ध्यान रखना, इफ वी मूव लेफ्ट टू जीरो वैल्यू विल बी डिक्रीजेस, यानी यहाँ पे वैल्यू घटती जाती है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ यहीं से देख लो कहीं से भी इस पॉइंट से मेजर कर लो, आप 4 के लेफ्ट में आते जाएंगे तो क्या होगी वैल्यू लेफ्ट डिक्रीज करेगी कि नहीं। आप बात yes, sir. आप बात कर रहे हो सर 3 की, 3 इज लेस देन टू 4 3 इज लेस देन टू 4 ऐसे 2 इज लेस देन टू 4 यानी अगर हम जितना हम किसी भी पॉइंट से उसके लेफ्ट में मूव करते हैं ऑन द नंबर लाइन तो वैल्यू क्या करती है डिक्रीज करती है। फंस गया यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे वैल्यू डिक्रीज करती है इफ वी मूव लेफ्ट टू द जीरो, यानी जीरो के लेफ्ट में अगर मूव करेंगे तो वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखना, डिक्रीज की थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग हुई है कोई बात नहीं। यहां से अगर हम जीरो के राइट में या किसी भी नंबर के राइट में ऑन द नंबर लाइन मूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है इंक्रीज करती है, क्या करती है इंक्रीज। ये सारी चीजें क्लियर बेटा, क्लियर हो गया है? यस तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जंप स्टार्ट। इन्होंने कहा राइट द ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर लाइंस गिवन बिलो। बेटा आपको इनके ऑपरेशंस यानी जो एक्टिविटीज किए गए हैं जो ऑन द नंबर लाइन जो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया गया उसी का स्टेटमेंट यहाँ राइट करना है। तो पहले मूव कहाँ से किए, 0 to 10 ये कितने स्टेप मूव किए, यहाँ से इनके जो इनिशियल पोजीशन थी 0 यहाँ से ये मूव कर गए टू 10 इट मीन्स 10 स्टेप ये जंप किए फ्रॉम 0 तो पहले 10 राइट करेंगे, यही तो राइट करेंगे प्लस 10 यस सर। और ये फॉरवर्ड मूव होता है बेटा, ये फॉरवर्ड मूव अगर डायरेक्शंस की बात करें तो प्लस डायरेक्शन को शो करता है यानी प्लस साइन को शो करेगा और बैकवर्ड मूव माइनस को शो करता है ठीक है। यस सर यस सर। अब यहां से हम बैकवर्ड मूव की बात करें तो यानी कितने स्टेप बैकवर्ड मूव हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बेटा ये 20 स्टेप बैकवर्ड मूव कर गया फ्रॉम 10 एंड इट रीच ऑन माइनस 10 ओके 10 से ये बैकवर्ड मूव yes, sir. 20 स्टेप्स और कहां पे पहुंच जाता है माइनस 10 पे, तो इसकी पहले हम बैकवर्ड मूव के दिखाएंगे यहां से माइनस 20 बैकवर्ड मूव कितना होगा माइनस 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बैकवर्ड मूव कर रहा है 20 स्टेप तो हम माइनस 20 दिखाएंगे। प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू व्हाट, आंसर क्या आएगा फाइनल पोजीशन माइनस 10 माइनस गुड बेटा माइनस 10 हो जाएगा, आप देख पा रहे हो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है माइनस 10 यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 आप प्लस चाहो तो राइट करो या ना करो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आपने प्लस 10 को ऐसे टेन लिख सकते हैं यस बेटा, प्लस साइन हिडन होता है कहीं पे अगर आप उसको राइट करना चाह रहे हो तो करो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 ऐसा भी राइट कर सकते हैं ओके यस सर यस सर। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्लियर करेंगे बेटा पर नंबर बी की बात करेंगे, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होती है स्टार्टिंग में कहाँ था ये पे पहले ये बताइए इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, जीरो जीरो। अब जीरो से कितने स्टेप ये मूव किया बैकवर्ड मूव किया फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो यस
15 स्टेप बैकवर्ड मूव शो कर रहा है यहाँ पे, तुम ये प्लस का होगा या माइनस का? माइनस माइनस 15, यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर माइनस 15 बिकॉज ये 15 स्टेप बैकवर्ड मूव किया माइनस। अभी क्या करना है, 15 से कितने स्टेप इसने फॉरवर्ड मूव किया ऑन माइनस 15, यानी हम देख पा रहे हैं फ्रॉम माइनस 15 मूव्स 25 फॉरवर्ड स्टेप्स, कितने 25 स्टेप्स, तो यहाँ पे तो शो करने पड़ेंगे बेटा प्लस 25 फॉरवर्ड मूव कर रहा है प्लस 25 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल ही तो है सर प्लस 10, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ओके, ये फाइनल पोजीशन प्लस 10 कितना हो गया प्लस 10, आंसर 10 राइट करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह अपने इंटीजर्स का यूज करना सीखा। देखिए जब स्टार्ट करनी फर्स्ट पॉइंट से हमने इंटीजर यूज करना शुरू स्टार्ट कर दिया, माइनस और प्लस दोनों टाइप्स के नंबर यूज कर रहे हैं, इट मींस वी आर यूजिंग इंटीजर्स ओके। हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं, इंटीजर इंटीजर्स। नाउ Your next point is simplify the following expression using the given number lines. बेटा इन number lines से use करते हुए आपको simplify करना है, तो बेटा number line पे ही solve करना है। तो minus 5 पहले 0 to कितने step? Sir 0 to minus 5 फिर minus 5 to 7. Yes, minus 5 to 7 नहीं होगा, minus 5 to 7 step move करना है। हम माइनस फाइव से कितने सर जीरो के सेवन स्टेप्स, नॉट टू सेवन, ठीक है सेवन तक नहीं जाना हमें, वहां से सेवन स्टेप मूव करने हैं। पहले देखिए सर, यस बेटा सर फाइव के बाद सर माइनस फाइव के बाद सर सेवन टू ही तो आएगा। यस बेटा टू सेवन स्टेप ऑन मूविंग सेवन स्टेप फॉरवर्ड यू विल रीच ऑन टू एट टू ओके, यानी सही है। आप अगर माइनस फाइव से सेवन स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे तो टू पे आ जाओगे। पहले हम जीरो से माइनस फाइव की पोजिशन सेट करते हैं। ये इसकी जो जीरो कहाँ है यहाँ पे, तो जीरो ये इनिशियल पोजिशन था, यहाँ से ये मूव करेगा बैकवर्ड माइनस फाइव, यानी फाइव स्टेप बैकवर्ड मूव करेगा। आप जी कितने स्टेप फॉरवर्ड मूव करने हैं, सेवन, तो ये यहां से सेवन स्टेप फॉरवर्ड मूव करने का मीन्स ये फाइव और वन सिक्स और वन सेवन, यानी ये रीच कर जाएगा ऑन टू, कितने पे पहुंच जाएगा भैया टू पे, यानी ऐसे टू टू जीरो टू टू माइनस फाइव टू ओके। इसकी जो इनिशियल पोजिशन yes, होगी sir. इसकी इनिशियल पोजीशन होगी वो क्या होगी, जीरो की होगी, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, टू टू ओके टू। यस सर यस सर। तो सिंपलीफाई करके आंसर क्या आ गया इसका सर? टू टू। तो आंसर यहाँ पे राइट भी करेंगे इक्वल टू लगा के, टू माइनस सेवन प्लस फाइव इक्वल टू टू ओके, सॉरी माइनस फाइव प्लस सेवन इक्वल टू टू, इज दैट क्लियर? यस सर यस सर ओके। अबिरल प्रिया और अरुण आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं? सर आ रही है। यस सर ओके बेटा सर आ रही है। आ रहा है ना, तो बीच बीच में मेरे सपोर्ट के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला कीजिए, ठीक है? यस सर ओके सर। गुड बेटा, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें इन्होंने कहा माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व। बेटा माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल्व इसको ऑन द नंबर लाइन सॉल्व करना है, तो चलो पहले जीरो टू माइनस थ्री की पोजीशन चेक करेंगे। जीरो टू माइनस थ्री
ये जीरो है, यहां से क्या माइनस थ्री बाई कितने, वन टू थ्री, थ्री स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेंगे तो यहां पे रीच कर जाएंगे, थ्री स्टेप बैकवर्ड। वैसे ये फोर पे जा रहा है थोड़ा सा, इसको थ्री स्टेप बैकवर्ड मूव करेंगे यहां पे ऐसे रीच कर जाएंगे, ठीक है। अब बेटा जी यहां से आपको कितने अगेन यू हैव टू मूव, माइनस साइन सो ही करता है कि आपको बैकवर्ड मूव करना है, माइनस 12 करना है, इट मींस फ्रॉम हियर अगेन यू हैव टू मूव 12 स्टेप बैकवर्ड। इसका मतलब यहां से आपको अगेन 12 स्टेप, यस सर माइनस 15, यस बेटा 12 स्टेप बैकवर्ड अगेन यहां से मूव करेंगे तो माइनस 15 पे आ जाएंगे। इसकी फाइनल पोजिशन क्या हो जाएगी, माइनस 15, ओके। पॉइंट नंबर थ्री की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होता है ये भी क्लियर कर दूं बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्लियर कराया जा चुका है इससे पहले भी, आप जानते हो इससे पहले क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर्स और कुछ और निगेटिव और पॉजिटिव बिल पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। यानी कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये मॉडुलस वैल्यू होती है। लेट्स से माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव, आपसे कोई कह दिया सर थ्री इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे थ्री, यानी इसमें माइनस हो या प्लस हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस ही होगी, ओके। यस सर, यस सर। मॉडुलस ऑफ माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, mod of minus 10 is equal to what? Sir, 10. 10. Plus 10. Plus 10, beta. Yes, beta. 10 hi write karenge, okay? Modulus of plus 23. Sir, 23. Okay. Sir, 23. Tunne ka, now tick what you already know. Yani aapne kya kya seekh liya? Represent integers on a number line. Beta, integers ko number line pe show karna aapne seekha tha aur yahan bhi kar sakte hain. Theek hai? आपने नंबर लाइन का यूज करके एड और सब्ट्रैक्ट भी सीख लिया है, ठीक है। Yes, sir. Find yes, sir. और एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करना सीख लिया, तो ये सारी सारे चीजें हमने सीख लिया। आई कैन कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अब इसमें देखिए बात क्या करनी है आपको बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो इंटीजर्स के होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हमें समझना होगा, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स यू हैव टू एड माइनस 38 एंड प्लस 42, ये ऐड करना सर 52 है, ओके बेटा। अब बात कर लें, अगर हमें इनको ऐड ही करना है तो कैसे ऐड करेंगे सर, तो इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट होता है, आपको पहले सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को साइन मत मेजर करना, ओनली ग्रेटर वैल्यू चेक करो, व्हिच वन इज ग्रेटर 42 और 38। और सर यहाँ अपोजिट साइन है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ज्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ज्यादा है इसमें 42, इसमें से माइनस करेंगे 38 को, तो 42 माइनस 38 इज इक्वल टू 4 होता है भाई, कितना होता है 4। यहाँ पे 4 आ जाएगा सर, लेकिन कैसा 4, जो ग्रेटर वैल्यू की जो साइन होगी तो
यस बेटा, हम बात कर रहे थे अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऐसे में हम करते क्या है, हम ग्रेटर वैल्यू को चेक करते हैं, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो ग्रेटर वैल्यू के साइन होती है, सिंबल होती है, उसी का यूज कर लेते हैं। लेट से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना था, आपको क्या करना, 42 ग्रेटर वैल्यू इसमें से 38 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 4 कैसा आएगा, प्लस 4, बिकॉज ये जो 42 है उसका साइन कैसा है, प्लस साइन है। ओके प्लस, यस सर। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 23 माइनस प्लस 15, ऐसे में क्या करते हैं, माइनस 23 प्लस 15, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बेटा, जो क्वेश्चन ऑन बोर्ड राइट किया गया इसका आंसर क्या होता फिर सर, माइनस, यस बेटा माइनस, माइनस 8, यस ऐसे करना क्या होता है, आपको पहले साइन हमने कहा था मेजर करते हैं ग्रेटर वैल्यू की, साइन मत मेजर करना, पहले ग्रेटर वैल्यू चेक करो, 23 इज ग्रेटर देन 15, अगर हम साइन ना मेजर करें तो वैसे में 23 आपका 15 से ग्रेटर होता है, और 15 से ग्रेटर होता है तो ग्रेटर होने पे क्या होगा, आप ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आता सर 8 है, बट कैसा 8 होगा, माइनस का, बिकॉज जो माइनस साइन वाली वैल्यू है वही उसी में से हमने प्लस साइन वाले को ग्रेट सब्ट्रैक्ट किया था, तो यानी माइनस 8 आ जाएगा, माइनस साइन हैज ग्रेटर वैल्यू सो माइनस 8 आ जाएगा। ओके और ये सारे कॉन्सेप्ट कब यूज होते हैं, जब आपके अपोजिट साइंस के साथ नंबर आते हैं, अपोजिट साइन के साथ नंबर आते हैं तभी ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जब सेम साइन के साथ होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। सेम साइन के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, इसमें देखना क्या, लेट से आप माइनस, अगर जनरली ऐसे दिया होता है 23 प्लस 15 तो क्या ऐड करते हैं, 23 प्लस 15 दिया जाता है तो जनरली आप क्या राइट करते हैं, थर्टी एट। यस बेटा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, 38 होता है, कैसे आ गया, बिकॉज ये सेम साइन के साथ, बोथ आर विद पॉजिटिव साइन, यानी दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनको एक साथ ऐड कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन जब बात आती, yes. अगर हम बात करें सर ऐसे में और भी इंटीजर्स की बात कर लें, माइनस 23 प्लस माइनस 18, सर जी इसमें क्या होगा, ऐसे में क्या सॉल्व करते, आपको इंटरेक्शन भी बता दूं साइन का क्या होता है, प्लस इंटू अगर माइनस इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो माइनस फॉर्म हो जाता है, अगर प्लस इंटू माइनस हो जाता हो तो ऐसे में माइनस ही आता है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 23 ऐसे राइट कर लो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 18, अब बताइए क्या करेंगे सर, माइनस 41। यस बेटा, बोथ आर विथ नेगेटिव साइंस, यानी दोनों ही नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो देन यू हैव टू ऐड देम, क्या करना है, इनको ऐड करना होगा, ऐड करने पे नंबर वैल्यू आएगी 41, वैल्यू आएगी 41, वो भी दोनों ही माइनस के साइन के साथ है, तो यहाँ पे माइनस 41 हो जाएगा। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब हम चलिए बात करेंगे, इन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट वही पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है जो हमने आपका क्लियर कराया। लेट से अगर हम बात कर लें थ्री इंटीजर्स के एक साथ, माइनस 24 प्लस 15 माइनस 16, ऐसे में होता तो क्या करते फिर,
आप क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, पहले आप सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं, सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मीन्स ये हुआ, यहां पे आप करते क्या, सेम साइन के इंटीजर्स मीन्स यहाँ पे -24 या -16 दोनों ही सेम नेगेटिव साइंस के साथ है तो उनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा भाई, 16 और 24 40 होता है विथ माइनस साइन, -40 आ जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, +14, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब बात आती है थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, -25। थर्ड स्टेप में हम ये चेक करते हैं व्हिच वन इज ग्रेटर, 40 is greater than 15, तो ये अपोजिट साइन के साथ एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम प्लस वाले में से, सॉरी माइनस वाले में से प्लस को सबट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज़ ये वैल्यू ग्रेटर है, तो 40 में से 15 जाएगा तो 25 होगा आएगा, वो भी कैसा, -25 आएगा। ये थर्ड स्टेप में क्लियर हो गया, ओके? यस सर। सेम एज यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, क्या इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, यस yes. अगर आप किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो एक यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो बेटा ये जो पॉइंट है प्रॉपर्टी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करेंगे, ठीक है? आपको जितना भी पॉइंट डिस्कस किया गया है ये आपको इसको रिवाइज करना, yes, जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इसके वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है? यस सर। आज क्लास यहीं पे ओवर किया जाएगा, ठीक है? यस सर। यस। जितना भी यहां पे डिस्कस किया गया इसको आप लोग रिवाइज करेंगे तो काफी अंडरस्टैंडिंग आपके जो लेवल है वो क्लास हायर लेवल तक जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। बाय। सर गुड बाय। बाय। Thank you.